चला सामने इसका आप लोगों को अभी मुंह तोड़ जवाब देना है और कांग्रेस को वोट देना है, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कि राहुल जी को आप प्रधानमंत्री बना के हाथ के पंजे पर वोट देके आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। ये दीदी की और भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी। अभी भाजपा ने आप लोगों को पकौड़े तलने पर मजबूर कर दिया है। मोदी के जुमलेबाज ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देंगे हर साल, इसका मतलब 10 करोड़ 5 साल में। क्या 10 करोड़ नौकरियां मिली किसी को? 15 लाख रुपए के लिए सब लोगों के खाते खुलवा दिए, लेकिन क्या किसी को 15 लाख मिले? आगे भी आप लोगों को पकौड़े तलने पड़ेंगे। बाहर से बार बार एक कैंडिडेट आता है, आपके हितों की बात नहीं की जाती है संसद में। संसद में एक ऐसा सांसद जाता है जो बाहर से आता है, चाहे पहले जसवंत सिंह जी रहे हो या फिर अहलूवालिया जी रहे हो या अभी किसी कैंडिडेट को मणिपुर से ये लोग दे रहे हैं। आज सिर्फ इकट्ठा होने की बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमें सुनने के लिए और हमें देखने के लिए ये भीड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन असलियत में ये आपके भविष्य का सवाल है। राहुल जी की जो नई स्कीम है, न्याय की स्कीम जो उन्होंने लॉन्च की है, जो गरीबी वर्ग के 5 करोड़ परिवार है उन्हें ऊपर उठाने की बात है, जो न्यूनतम आय की बात है, ये 72,000 रुपए सालाना आपको मिलेंगे और 12,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। आप लोगों को वोट देने से आप कितने परिवारों को सम्मान दिला सकते हैं, आप इस बात की सोचिएगा। ऐसी नेता को सेंटर में लाने की सोचिएगा जो सबका साथ सबका विकास वाकई में चाहता हो, जो सबको साथ लेके चलता हो, सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी नहीं करता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके आंदोलन सिर्फ हो रहे हैं, लेकिन बेटियां यहाँ पर दीदी के भी सरकार में सबसे ज्यादा असुरक्षित है। आज सबको पता है कि किस तरह से दीदी एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिलाओं को यहाँ कितनी सुरक्षा है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब बहुत ज्यादा समझदार हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। मैं आपको फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप एक जन जन को यहाँ पर मनाकार जी ने कहा आप यहाँ पर आओ हम आपको सस्ते में जमीन देंगे, आप यहाँ पर आके रहो। अरे मनाकार जी मुझे जमीन की जरूरत नहीं, मैं तो इनके दिल में रहती हूँ। दिल में रहती हूँ कि नहीं रहती हूँ सबके? अभी जहाँ मैं खड़ी रहूंगी वही मेरी जमीन है, वही मेरे लोग हैं। मैं तो चाहती हूँ कि आप मनाकार जी को यहाँ से अपना सांसद बना के भेजिए, ताकि आपका तरीके से संसद में लोग चले उठाई जाएगी, आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी और राहुल जी आप लोगों का साथ देंगे। ये भाजपा ऐसी सरकार है जिसने स्वास्थ्य को भी कमजोर कर दिया, जितनी भी परसेंटेज है उसको भी स्वास्थ्य के फंड में से कम किया गया। किसानों का क्या हालत है ये सब अच्छी तरह से जानते सिटीजन्स में भी आप लोगों का नाम वो निकालना चाह रहे हैं हम जिसके विरुद्ध में है, वो आप लोगों को बेघर करना चाह रहे हैं। एक तरफ से तृणमूल आप लोगों पर और कांग्रेस के कार्यकर्ता पर किस तरह से टूट पड़ रहे हैं, किस तरह से उन्हें मार रहे हैं, वो भी कांग्रेस के लोग डट के उसका सामना कर रहे हैं। मैं आप सबसे एक बार फिर गुजारिश करती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि जब शंकर मालाकार जी यहाँ से जीत के आएंगे तो मुझे फिर से मौका मिलेगा आप सबके बीच में आने का, आप सबसे मिलने का, आप सबसे रूबरू होने का। लेकिन ये आज का मौका बहुत ज्यादा जरूरी है,
हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं और वाकई में अगर आप अपना खुद का विकास चाहते हैं, आप इस आर्ट को अपने साथ पाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस के कैंडिडेट श्री शंकर बालाघाट जी को वोट करेंगे, उनको संसद भेजेंगे और अपने जितने भी समस्याएं हैं उनका पूरी तरह से वो निवारण करने में मुझे पूरा भरोसा है कि वो पूरी तरह से आपको सहयोग करेंगे, आपकी समस्याओं को सहयोग करेंगे। एक बार फिर मुझे खुशी होती है कि मेरी इतनी सारी बहनें जो इतनी तादाद में यहाँ पर आई हैं, ये सब इतनी धूप में बैठती हुई आई हैं। महंगाई बड़ी है कि नहीं बड़ी है बहनों? बड़ी है। जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो जीना मुश्किल हो रही है कि नहीं? हो रही है कि नहीं? हाँ। हो रही है ना? तो ऐसी सरकार कुछ लो तो आप लोगों को हर चीज से बचाएगी, चाहे वो पेट्रोल डीजल का दाम क्यों ना हो या बहुत सारी चीजें ऐसी क्यों ना हो जो महंगी हो चुकी है और रोजमर्रा की जिंदगी बहुत 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 कठिन हो गई है। मैं आज इजाजत चाहती हूँ, बीपी सिंह साहब मुझे बोल रहे हैं कि अभी मीटिंग में भी जाना है, इन्हीं कैंडिडेट के लिए इलेक्शन कैंपेन में वोट मांगना है, लेकिन मैं एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं यही बात करके विदा लेती हूँ कि आप सब कांग्रेस के हाथ के चिन्ह पे वोट दे और शंकर